हेलो पीपल। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है आईडीएफ में। इससे पहले हम लोगों ने 3 घंटे का सेशन लिया था, जिसमें मैंने तुम्हें पूरा बताया था कि भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ठीक है, वो सब चीज़ें मैंने तुम्हें बताई थी। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो आइडियली हम क्या कर रहे थे, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एनालॉग बना रहे थे, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, कंपाउंड एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले एंड फिर मल्टीपल एंगल्स। मैंने बताया था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले हैं, जिसमें हम दो चार रेशियोज को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें पॉसिबल नहीं है आपके, सॉरी वही पॉसिबल है, यानी कि हम एंगल्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वही हम निकाल रहे हैं ऐड करके, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि कंपाउंड एंगल में जो हो रहा था वो एक्चुअली ये करना कि साइन इनवर्स या फिर कोई भी इनवर्स कैसे चेंज हो जाएगा रेशियो के चेंज होने से, वो हमें नहीं आता है, उसके लिए कोई फॉर्मूला हमारे पास फिलहाल में नहीं है, ठीक है। ये हम लोगों ने बात करी थी। अब बात आती है मल्टीपल एंगल्स की। तो मल्टीपल एंगल कुछ नहीं है, बेसिकली तुमने दो सेम एंगल को अगर जोड़ दिया तो मल्टीपल एंगल बन जाएगा, है ना, तो वो वाली चीज है। लेकिन ये जो तरीका है, मतलब अगर तुम देखोगे अभी बुक्स बुक्स खोलते हो अगर तुम, तो तुम्हें बहुत सारे फॉर्मूले दिख जाएंगे इसी चीज के ऊपर। मानो किसी ने लिख दिया 2 sin inverse x और पूरा मार तमाम खूब सारे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब 2a का मतलब क्या हो गया कि सेम एंगल्स को तुमने जोड़ दिया है, मतलब कि एक तरीके से तुमने ये लिख दिया भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, जो उन्होंने प्रीवियस वीडियो में किया था वही चीज तो है ये, ठीक है। या फिर तुमसे कोई देगा 3 sin inverse x, यानी कि 3 एंगल, है ना, जो हमारा एंगल को 3 से तुमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीपल एंगल्स में ये चीज हो रही होती है। अच्छा, मल्टीपल एंगल्स में हमने सिर्फ यही पढ़ा था, हमने और भी बहुत सारे टाइप के रिलेशनशिप्स पढ़े थे इसमें। फॉर एग्जाम्पल हमने ये तो पढ़ा ही था कि साइन 2a जो होता है वो 2 sin a cos a के बराबर होता है, हमने ये भी पढ़ा था कि वो इसके बराबर होता है 2 tan a 1 plus tan square a, ठीक है, यानी कि साइन को टैन में इस टाइप की कन्वर्जेंस भी हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा कि अच्छा यही चीज इसकी भी बराबर होती है, 1 minus tan square a 1 plus tan square a, ठीक है, ये आपका cos 2a के उसमें आ जाएगा डोमेन में। तो इसमें भी बहुत मतलब खतरनाक से इसमें बन जाते हैं। तो आपने इस टाइप के फॉर्मूले अपनी बुकों में अगर आप खोलोगे, अभी बुक्स हैं मटेरियल्स हैं, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई साइन इनवर्स के अंदर ये लिखा हुआ है 2x upon 1 plus x का square, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन अगर आप देखोगे तो इससे मैच खाता है, ठीक है। अगर तुम देखोगे तो अगर तुम टैन ए की जगह पर अगर तुम एक्स डाल दोगे तो 2x/1 plus x square, तो वही चीज लिखी हुई है अंदर, ठीक है। फिर यही सेम एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ होगा कॉस इनवर्स के अंदर, वो ऐसा होगा 1 minus x का square 1 plus x का square, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आप देख सकते हो यहाँ से आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो इनके फिर खूब सारे फॉर्मूले इसका, खूब सारे फॉर्मूले इसके, ठीक है, और सब एक्सपेक्ट किया था, बच्चों को सब याद है, ठीक है। जेईई मेंस तो आजकल खूब क्वेश्चन पूछ रहा है इस पे, खूब क्वेश्चन उसने पूछे हैं इस बार, ठीक है, जिसमें उसने यही लगातार यूज किया यही चीज, एक तो ये और दूसरा आपका कॉस इनवर्स, ये दोनों के दोनों एक्चुअली 2 tan inverse के बराबर होते हैं, 2 tan inverse x के बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब पूरी तरह नहीं होते हैं, केसेस होते हैं बहुत सारे, पर मोटे मोटे तौर पर इसके बराबर होते हैं। बट ये सब अगर तुम करने बैठ गए तो तुम पगला ही जाओगे, क्योंकि कितने फॉर्मूले याद करोगे यार, है ना। तो मैंने सोचा कि ट्रिग्नोमेट्रिक एनालॉग तो मैं समझ में आ गया कि ठीक है, हम लोगों को एंगल्स का प्लस माइनस चाहिए होता है और हम लोग मल्टीपल एंगल्स भी कर सकते हैं। आगे रखिए मैं इस टाइप से भी तो कर सकता हूँ कि मैंने एक तो मल्टीपल एंगल उठा लिया 2a और उसको मैंने ऐड कर दिया, मान लो a1 है और मानो मैंने उसको ऐड कर दिया किसी a2 के साथ, ये भी चीज तो बन सकती है। मतलब कल को मैं तुम्हारे सामने ये दे दूँ 2 sin inverse x plus tan inverse y, ठीक है, और फिर मानो एक और दे दिया मैंने साथ में और वो है मान लो कॉस इनवर्स जेड। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से वो तुम्हें दे देगा कि भाई 2 sin inverse 1/5 है, ठीक है, फिर प्लस में साथ में उसने दे दिया तो मैं tan inverse 2 minus cos inverse 1/3, बताओ भैया क्या होगा, ये पूरा निकाल के दिखाओ हमें क्या इसका आंसर आएगा। अब ये सब अगर तुम देखोगे क्या हो रखा है, क्या तुम सिंपल भाषा में अगर किसी को भी हल्का फुल्का भी पता हो, तो अगर तुमने एलजेब्रा नामक एक चीज पढ़ी है, एलजेब्रा, ठीक है, तो एक तरीके से मैंने क्या करा, मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर एलजेब्रा लगा दिया कि अच्छा इसको 200 मल्टीप्लाई करके इसको इन सबसे ऐड कर दे, किसी को सब्ट्रैक्ट कर दे, है ना भाई। अगर मैं देखूंगा ये एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो लिखा हुआ है 2x plus y minus z, तो तुमने x y और z इन तीनों के ऊपर एलजेब्रा अप्लाई करा तो ऐसा कुछ बन गया, राइट। ऐसे ही जो मेरा ये ऊपर लिखा हुआ है, ये जो चीज लिखी हुई है यहाँ पर मैंने साइन इनवर्स टैन इनवर्स कॉस इनवर्स इन सब पे एलजेब्रा अप्लाई कर दिया, राइट। इस बात को पकड़ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैंने इनवर्स फंक्शंस जो है मेरे टी इनवर्स से मैं डिनोट कर रहा हूँ इनवर्स फंक्शंस को, ठीक है, इनके ऊपर मैंने काइंड ऑफ एलजेब्रा अप्लाई कर दिया अगर, ठीक है। तो अगर इस टाइप की चीज है आपके सामने, इस टाइप इस कैटेगरी, ये फील समझना इस चीज की, क्योंकि अगर तुमने ये बात पकड़ ली तो तुम्हें कोई फॉर्मूला याद करना ही नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें एक मेथड बता दूंगा और उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, ठीक है, बहुत ही रिवोल्यूशनरी मेथड है, ठीक है, क्योंकि इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। पहली बात, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ता, ऑन द स्पॉट एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ तुम हर चीज को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वही की है कि जो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी है, देखो वैसे तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक एनालॉग बना रहे थे, राइट, लेकिन उस चीज को खत्म करते हुए ये तो हम चुन्नू उन्नू के लिए बना पाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी ले आओ तुम और उसके लिए तुम बनाने बैठ जाओ, ठीक है। वो है ये स्ट्रैटेजी कि तुमने मोटे मोटे तौर पर पहचानो कि ले देकर के टी इनवर्स के ऊपर एक एलजेब्रा लग रहा है ना, ठीक है। तो कैसे करते हैं इसको, आ जाइए इस पर बात करते हैं। मान लो मैं तुम्हें सिंपल सा एक एग्जाम्पल दे देता हूँ,
मान लो तुमसे किसी ने बोल दिया कि 3 cos इनवर्स x जो है, 3 cos इनवर्स x ये कितना होगा, जब उसने बोला ये कितना होगा तो वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या क्या पूछना क्या चाह रहा है वो। 3 cos इनवर्स x का मतलब क्या है कि सिंपल तुम्हारे सामने cos इनवर्स x पड़ा हुआ था और उसके ऊपर मैंने एक एलजेब्रा अप्लाई कर दिया। एलजेब्रा अप्लाई कर दिया मतलब मान लो मैं बोलता कि cos इनवर्स x को उसी से जोड़ दो, उसी से जोड़ दो, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 2 cos इनवर्स x की वैल्यू बताओ, है ना। या फिर मैं बोलूं कि इसी इसको 3 बार जोड़ दो एक दूसरे से, या फिर मैंने क्या करता, मैं एक और काम कर सकता था कि cos इनवर्स x को sin इनवर्स x के साथ जाकर जोड़ दो, तो मैंने इन दोनों पे एलजेब्रा अप्लाई कर दिया, है ना, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, बढ़िया। एक और जैसे मतलब कि जैसे sin इनवर्स x + sin इनवर्स y, इस तरह के हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, cos इनवर्स x + cos इनवर्स y, ये वाले फॉर्मूले भी हम लोगों ने पढ़े थे, उन समय जो मेथड हमने अप्लाई किया था वही मेथड है ये, लेकिन उसको हम जनरलाइज कर रहे हैं अब हर किसी के लिए, हर पूरे मैथ्स के लिए। ये करने में मेरे को बहुत समय लगा है, ठीक है, ये सब सोचने में, इस चक्कर में ये वीडियो इतना डिले हो रहा है, ठीक है, वरना मैं इससे पहले, टू बी ऑनेस्ट, तुम्हारी कसम, मैं इससे पहले एक पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था जिसमें मैंने ये सब कुछ पढ़ा दिया था कि भाई 2 cos इनवर्स का फॉर्मूला ये हो सकता है, ठीक है, कि अगर तुम साइन इनवर्स के अंदर 2x 1 + x² डालोगे तो फलाना का ये केसेस बनेंगे। फिर मैंने सोचा इसमें तो बच्चे पागल हो जाएंगे यार, ठीक है, मज़ा बहुत आएगा कि एक एक पे तुम बात कर रहे हो लेकिन पगला जाओगे करते करते। मैंने सोचा कि ये सब तो क्वेश्चंस की तरह इनको हम रख सकते हैं और जो मेन इनकी फिलॉसफी है वो मैं पढ़ाता हूँ, उसको मैं बोल रहा हूँ अपनी जनरलाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी फॉर ITF, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मानो ये निकालना है 3 cos इनवर्स x, मैंने पहले इसका फॉर्म पहचाना, मैंने देखा एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके ऊपर कुछ तो एलजेब्रिक लगा हुआ है, ठीक है जी, बढ़िया। अब जब वो मुझसे बोलते हैं कि इसकी वैल्यू निकालो तो वो क्या बोलना चाहता है, वो मुझसे ये बोलना चाहता है भाई साहब कि इसको कंबाइन कर दे, तू क्या कर दे, कंबाइन करके लिख दो इस पूरी चीज को, कंबाइन करके लिख दो, मतलब जैसे कि मानो मेरे सामने, अगर तुम्हें प्रीवियस वीडियो से याद हो तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई पढ़ा था मेरे पास, राइट, जब उसने बोला कि इसकी वैल्यू क्या होगी तो मैं क्या बोल रहा था कि इसको साइन इनवर्स के टर्म्स में लिख दो, मतलब इस पूरी चीज को एक कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया मैंने, और जब कंबाइन किया तो कुछ ऐसा बन गया था, एक्स के अंदर ऐसा फिर वाई ऐसा, है ना, 1 - y² याद आ गया होगा आपको, है ना, और वैसे तो केसेस भी बने थे पर मोटे मोटे तौर पे अगर आप देखेंगे तो आपने इस चीज को कंबाइन करके ही तो लिख दिया ना, ठीक है। तो और अब मैं तो एक और चीज बोल रहा हूँ, कल को अगर मैं तुमसे बोलूँ कि इसको कॉस के टर्म में लिखो, साइन इनवर्स के टर्म में मत लिखो इसको, तो मुझे बताओ ये कॉस इनवर्स के टर्म्स में कैसा होगा। कोई कहेगा अरे सर अपने को वो आता है कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो पाई बाय 2 के बराबर होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स के अंदर यही आ जाएगा, ठीक है, मैं वो ठीक है ऐसे कर सकते हैं, पर मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे ना करके कि इसको डायरेक्टली तुम कॉस इनवर्स में ही कन्वर्ट करो, ठीक है। मान लो जेई मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी जिसमें उसने ये बोल दिया कि भाई साइन इनवर्स कुछ वैल्यू थी माइनस साइन इनवर्स ऐसा कुछ, और ऑप्शन नंबर ए जिसमें तुम्हें साइन में दे रखा है मतलब साइन इनवर्स में दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उसमें उसने कॉस इनवर्स में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी उसमें उसने फिर से कॉस इनवर्स में दे रखा है, एंड ऑप्शन नंबर डी उसमें भी उसने साइन इनवर्स में दे रखा है। जब तुम इसमें साइन इनवर्स वाला फॉर्मुला लगाओगे तो इन चारों में से किसी भी मैच नहीं करेगा, उस साइन इनवर्स वाले को पहले कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उसका दोबारा कुछ करना पड़ेगा तब जाके आंसर आएगा, ठीक है। इससे अच्छा अगर मैं डायरेक्टली इसको मैं सोचता कि अच्छा कॉस इनवर्स में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, इसको तो डायरेक्टली फॉर्मुला लगा के भी कर सकते हो। द आइडिया विच आई एम ट्राइंग टू से इज कि जरूरी नहीं है कि वो ये बोलेगा कि साइन इनवर्स प्लस साइन इस चीज को साइन इनवर्स में ही लिखो, वो ये भी बोल सकता है कि कॉस इनवर्स में लिखो, मैं तो कह रहा हूँ ये भी पूछ सकता है कि टैन इनवर्स में लिख भाई तू, तो टैन इनवर्स में बताइए कितना होगा, ठीक है साहब, तो तुम मरी जाओगे, है ना, अगर किसी ने बोल दिया तो। अल्टीमेटली अगर मैं देखूंगा तो अगर मेरे को ये क्वेश्चंस दिए होंगे एलजेब्रा के अंदर टैन इनवर्स, अगर मैं बात करूं सॉरी एलजेब्रा के अंदर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है ना, टी इनवर्स के ऊपर एलजेब्रा लगा हुआ है, तो इससे वो क्या बोलना चाहता है, जब वो बोलता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी तो वो ये बोल रहा है भाई साहब, वो ये बोल रहा है कि इसको, ये लिख लो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसको टी कोई दूसरा, मानो ये टी1 है, ठीक है, ये टी1 है तो कोई उसने दे देगा, या तो वो टी1 ही दे देगा या फिर वो टी2 दे देगा, डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको जनरलाइज लिखते हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स लगेगा यहाँ पे, इसको किसी, इससे तुम ये याद रखोगे कोई भी हो सकता है, किसी भी टी इनवर्स के टर्म्स में लिख दे, के टर्म्स में लिख दे, यही होता है हर क्वेश्चन में, मैंने देख लिया, ठीक है, वो बेसिकली ये करना चाहता है कि कंबाइन कर दे, लिख दे कंबाइन करके, बस ये फील है मेन, ठीक है, यही फील है इन क्वेश्चंस की। अब कैसे होते हैं वो हम बताते हैं आपको बड़े झटके में एकदम खटाक से, ठीक है। जैसे तुम्हारे सामने दिख रहा है 3 cos इनवर्स x, ठीक है, और अभी तो मैं बेसिक सा लेता हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ जहाँ पे मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ, ठीक है, चलो ये सब लिखे रहने देता हूँ, ठीक है, फिर मैं हम यहाँ पे आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो उसने तुमसे तुम्हें दे दिया है 3 cos इनवर्स x, ठीक है। अब मैं इसको दो तरीके से कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसको मुझे cos इनवर्स के कंबाइंड फॉर्म में लिख के दे, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसको मुझे tan इनवर्स में कंबाइन करके दे, ठीक है। अब देखो मेरी बात को पकड़ना, पहला स्टेप, जिसके भी टर्म्स में उसने बोला है कंबाइन करके दे, जिसके भी उसने बोला कि cos इनवर्स के में कंबाइन करके दे, तो इस जो जो भी तुम्हें चीज दे रखी है, ये जो तुम्हें चीज दे रखी है ना 3 cos इनवर्स x, ये जो भी दे रखा है,
अब उसने बोला कि कॉस इनवर्स के टर्म्स में कर दे, तो इसका कॉस ले लो और फिर इसका कॉस इनवर्स ले लो, एंड ऑफ डिस्कशन। ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन का पहला स्टेप इसके लिए लगाऊंगा, अब उसने बोला कि थ्री कॉस इनवर्स एक्स को मुझे टैन इनवर्स के टर्म्स में करके दे, तो दैट मीन्स कि जो थ्री कॉस इनवर्स जो भी लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है उसका पहले टैन ले ले और फिर उसी का टैन इनवर्स ले ले। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब भी मैं समझाऊंगा वीडियो के आखिर में। इसका जो फील है कि ऐसा ही क्यों कर रहे हो वो मैं बताऊंगा। हालांकि जो प्रीवियस वीडियो थी 3 घंटे वाली, उसमें ये मेरा एक क्रिएटिव थॉट की तरह एक डिस्कवरी हुई थी लाइव वीडियो पढ़ाते पढ़ाते, जिसमें एक मैं एक्चुअली मैथमेटिशियन की स्टोरी सुनाता हूँ। वो मैथमेटिशियन मैं ही होता हूँ बेसिकली वो, ठीक है। इट्स लाइक कि मैं खुद डिस्कवर करता हूँ हर एक चीज़ को पढ़ाते वक्त, ठीक है। तो मैं अपनी ही स्टोरी सुना रहा होता हूँ एक दूसरे स्टाइल में, दैट वाज अ बिग रिवील। तो द पॉइंट इज कि इसका आइडिया क्या है, ये वर्क क्यों करता है, वो सब मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। पर अभी तो मैं अभी मेथड पे फोकस करो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी में हम क्या करेंगे, ठीक है। बहुत गर्व की बात है, ये ले दे करके है क्या, ये ले दे करके एक एंगल है, एंड ऑफ डिस्कशन एंगल है। मैं तो कह रहा हूँ ये एंगल क्या है, कॉस इनवर्स एक्स कुछ भी हो, हम तो कह रहे हैं एक्स कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब कि माइनस वन से वन में ही होगा ना ले दे करके, क्योंकि कॉस के अंदर पड़ा हुआ है। तो कॉस इनवर्स एक्स पक्की बात है जीरो से पाई में ही नाचने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो थ्री से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जीरो से थ्री पाई में नाचेगा, ये बात क्लियर हो गई ना, एकदम क्लियर कट बात है एकदम। एक सिंपल सा एंगल लिखा हुआ है मेरे सामने, अब मुझसे बोला जा रहा है इस एंगल को कॉस इनवर्स के टर्म्स में लिख दे या फिर टैन इनवर्स के टर्म्स में लिख दे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करें साहब, अब क्या करें, तो अब ऐसे देख ले कि ये जो चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, देखो इसको मैं दो तरीके से इवेल्युएट कर सकता हूँ, एक मैं यहाँ करूँगा एक मैं यहाँ करूँगा, ऐसे ही इसको भी मैं यहाँ इवेल्युएट कर सकता हूँ और मैं यहाँ इवेल्युएट कर सकता हूँ। तुम कहोगे ये क्या मतलब है, मतलब देखो एक तरफ से तो तुम इसको ऐसे देखो, एक तरफ तो तुम इसको ऐसे देखो जो यहाँ मैं सॉल्यूशन करने वाला हूँ उसमें तुम ऐसे देखो कि ये तो ऐसे लिखा हुआ है कॉस इनवर्स कॉस एक्स वाला जो फॉर्मूला था हमारा, राइट, जो हमारी प्रॉपर्टी थी कॉस इनवर्स कॉस एक्स, राइट। कैसे करते थे इसको, हमें पता था कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो होता है वो एक्स हो जाएगा। हम ग्राफ बना लेते हैं पहले यहाँ पे, है ना, जीरो से पाई का ग्राफ बना लेते हैं। तो भैया ऐसे करके आपका ग्राफ बनता है ना, सही कह रहा हूँ एकदम, ऐसे तो ग्राफ बनता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, राइट। ये पाई होता है, ये टू पाई होता है, ये थ्री पाई होता है, एंड ऑल दैट। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो है वो एक्स के बराबर कब हो जाता है, मैंने ये भी बता रखा है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये एक्स है। अब जहां से पास कर रहा है उसके हिसाब से निकाल लेंगे, ठीक है। अगर ये 2 पाई से पास कर रहा है तो यहां तो आ जाएगा सिंपल 2 पाई माइनस एक्स, और अब इस तरफ आ रहा है तो माइनस 2 पाई, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है, बढ़िया। तो अगर आपका एक्स जो है वो जीरो से पाई में है तो एक्स आएगा, तो एक्स ही आ जाएगा। अगर पाई से 2 पाई में है तो 2 पाई माइनस एक्स आएगा, और अगर 2 पाई से 3 पाई में है तो माइनस 2 पाई प्लस एक्स आएगा, सही कह रहा हूं मैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो एक तरीका बिल्कुल ऐसा है देखने का कि ये जो एक्स लिखा हुआ है, यानी कि एंगल ए मान लीजिए, एंगल ए लिखा हुआ होता है यहां पर, ठीक है, एंगल ए, एंगल ए, तो ये पूरी चीज जो है ये एंगल ए लिखा हुआ है, सिंपल, ये पूरी चीज जो है ये एंगल ए लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स कॉस ए लिखा हुआ है। तो कॉस इनवर्स कॉस ए का आंसर क्या होगा, यही होगा एंगल ए, या फिर 2 पाई माइनस ए, या फिर माइनस 2 पाई प्लस ए, सही कह रहा हूं मैं एकदम। अगर आपका ए जो है वो 0 से पाई में है तो ये होगा, ठीक है। अगर आपका ए जो है वो पाई से 2 पाई में है तो भाई साहब ये होगा, और अगर 2 पाई से 3 पाई में है तो ये होगा, सही कह रहा हूं मैं एकदम। ये ध्यान से समझ लेना, सारे फॉर्मूले सब कुछ इसी से निकल जाना है, बहुत ही भयंकर तरीका है, ठीक है जी। एक तो ये कर लिया हमने, अब मैं तुम्हें दूसरा जो बता रहा हूं वो ये है कि पहले मैं इसी को बैठ के सोच रहा हूं, मैं इसी को बैठ के सोच रहा हूं। अभी हम जरा टैन इनवर्स वाले को थोड़ा साइड में कर देते हैं, ठीक है, इस पर भी बात कर लेंगे, पहले इसको हम थोड़ा साइड कर देते हैं, हटा बैठा तुम अभी निकलो, तुम अभी बाद में आना, ठीक है, साइड कर दिया अभी उसको। अब देखो ये तो हमारा एक हो गया, ये हमने एक तरीके से इसको इवेलुएट किया। अब दूसरे तरीके से देखो कॉस इनवर्स के अंदर ले देकर के क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ कॉस इनवर्स, भाई साहब थोड़ी देर तुम शांत बैठो, तुम्हारे अंदर लिखा हुआ क्या है, मुझे तो भाई साहब ऐसे दिख रहा है कॉस 3 थीटा लिखा हुआ दिख रहा है मेरे को तो ये दिख रहा है कि भैया कॉस इनवर्स एक्स ले देकर के एक एंगल है, ले देकर के ये चीज एक एंगल है, थीटा है भाई साहब, सिंपल भाषा में बात करी जाए। यहां से तुरंत मैं बोल सकता हूं मैं उसको इधर ले जा सकता हूं, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर ये बात सच है तो इसको इधर लेकर जा सकते हैं साहब, तो ये एक्स इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा जी, बिल्कुल कर सकते हैं साहब, हमेशा कर सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू कॉस थीटा हो गया, मैंने कहा ठीक है बढ़िया। अब देखो हर बच्चे को याद आता है कि भैया इसका फॉर्मुला तो अपने को पहले से रटा पड़ा है, क्या होता है 43 नंबर की बस, मैंने बताया ना 34 नंबर की बस, साइन 3 थीटा और ये 43, तो ये कहां से आ जाएगा, ये हो गया आपका 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं एकदम, है ना। तो ये बन गया कॉस इनवर्स के अंदर 4 कॉस क्यूब की जगह तुम सोच के देखो, कॉस थीटा को तुमने एक्स बोल दिया तो कॉस क्यूब क्या हो जाएगा, है ना, एक्स क्यूब माइनस 3x, बिल्कुल ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूं, ज्यादा तेज बोल दिया, कान फट गए होंगे, ये चीज इसके बराबर है, हाँ जी बिल्कुल, तो ये तो इसके बराबर हो गया ना, हाँ हाँ बिल्कुल हो गया, इसके बराबर हो गया, दैट मीन्स कि इसको इक्वेट कर दो, बस यही बात है सारी की सारी, बस यही सारा स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, कि ये जो आया है LHS में कॉस इनवर्स 4x का क्यूब माइनस 3x, ये बराबर है, ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, किसके बराबर है साहब, इसके बराबर है, ये इसके बराबर।
अब ए एक्चुअल में है क्या? थ्री कॉस इनवर्स एक्स है भाई साहब, थ्री कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, जहां पे ए आपका जीरो से पाई में है, यानी कि थ्री कॉस इनवर्स एक्स जीरो से पाई में है, ठीक है। फिर यहां आ जाएगा टू पाई माइनस ए, टू पाई माइनस ए यानी कि टू पाई माइनस थ्री कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, माइनस टू पाई प्लस थ्री कॉस इनवर्स एक्स। फिर वही है कि एंगल ए आपका पाई से टू पाई में होगा या फिर एंगल आपका टू पाई से थ्री पाई में होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो आपको चेंज करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ा करते रहोगे। मैं कहा सही बोल तो सही रहो, चेंज तो करना पड़ेगा, अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे, पहले हम एक काम कर लें, पहले हम एक काम कर लें। यार टैन वाले भैया थोड़ा हमें माफ करो, थोड़ी जगह की कमी है, आप थोड़ा समझ रहे हो, इसको और नीचे भगाओ इसको। हम आपसे मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद में, ठीक है, भाग जाओ इसे, परेशान करने आ जाते हैं। हाँ जी, थर्ड वाला स्टेप। अब अपने को चाहिए क्या था, क्या हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी? नहीं, तो अपने को क्या चाहिए था? अपने को तो, हमने तो बात करी थी थ्री कॉस इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स के टर्म्स में कंबाइन करके लिख दे भाई तू तो, राइट है, बिल्कुल। तो दैट मींस कि मुझे तो ये चाहिए ना, तो ये जो है वही तो इसके बराबर है, तो इसको इधर लिख दो। तो बस थ्री कॉस इनवर्स एक्स जो है वो किसके बराबर है, वो इसके बराबर है, कॉस इनवर्स फोर एक्स का क्यूब माइनस थ्री एक्स, इसके बराबर है, अगर आपका जो एंगल ए है वो जीरो से पाई में है तभी, तभी। तुम देख सकते हो ये चीज जो लिखी हुई है और जो ये चीज लिखी हुई है, इन दोनों को जरा जरा ध्यान से देखो, जरा क्या हुआ यहां पर, ये चीज कंबाइन हो गई है कॉस इनवर्स के टर्म्स के अंदर, यहां पे कंबाइंड चीज आ गई है, कंबाइंड वाली फीलिंग आ रही है आपको कि ये डिस्क्रीट है, ये ऐसे लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, है ना, कल को यहां लिखा होता कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड, तीन एकदम डिस्क्रीट चीजें दिखती है आपको, तो ये तीन डिस्क्रीट चीजें हैं जो कंबाइन हो गई हैं। फील, इस फील को पकड़ना डिस्क्रीट से कंबाइन, क्योंकि अभी मैं इसका उल्टा भी यूज करूंगा जब मैं कंबाइन से डिस्क्रीट पे जाऊंगा, तो इसलिए इन वर्डिंग को ध्यान रखो। फिर यहां देखो ये जो चीज लिखी हुई है इसमें क्या है, अरे अगर तुम देखो भाई ब्रैकेट ब्रैकेट बना के ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है ये कोई इक्वेशन थोड़ा ना, अब इक्वेशन ही तो है, देखना ये लिखा हुआ है कॉस इनवर्स के अंदर, ये सब बवाल लिखा हुआ है अंदर, और ये बराबर है टू पाई माइनस थ्री कॉस इनवर्स के, ठीक है, ये चीज इसके बराबर है, अगर ए आपका इसके इसके बीच में, तो ए आपका इसके इसके बीच में, तो इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, दैट मींस थ्री कॉस इनवर्स एक्स जो है जब इसको इधर ले जाओगे तो बराबर आ जाएगा टू पाई माइनस कॉस इनवर्स इसी के, अगर आपका एंगल ए जो है वो पाई से टू पाई में है, ठीक है जी। फिर बिल्कुल इसी तरीके से माइनस टू पाई, नहीं माइनस टू पाई नहीं होगा, आप बताओ क्या होगा, जब इसको इधर लेकर जाओगे, ठीक है भाई, यहाँ लिखा है माइनस टू पाई प्लस में ये, जब इसको इधर लेकर, तो ये माइनस थ्री कॉस इनवर्स बन जाएगा और ये बन जाएगा माइनस टू पाई माइनस कॉस इनवर्स, तो माइनस हटाओगे तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, मेकिंग इट टू पाई प्लस कॉस इनवर्स के अंदर दिस, ए बिलोंग्स टू, अगर आपका टू पाई से थ्री पाई में है ए तो, ठीक है। अब तुम सोच ही रहे होगे कि यार ठीक है ये तो बन गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे आई गेस फील आ गई होगी अच्छे से एकदम कि ये हुआ क्या एग्जैक्टली, ठीक है। अब हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन के हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो, अरे इनको ऐसे देखो आप भाई, क्या मतलब है इसका, ए क्या था, थ्री कॉस इनवर्स एक्स है, तो थ्री कॉस इनवर्स एक्स जो है वो जीरो से पाई में है, दैट मीन्स कि कॉस इनवर्स एक्स जो है वो जीरो से पाई बाय थ्री के बीच में है, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम क्या निकालना चाहते हो, अल्टीमेटली तुम एक्स के टर्म्स में निकालना चाहते हो, ठीक है। अब मैंने ये चीज ऑलरेडी समझा रखी है, अगर तुम थोड़ा सा समझ जाओ तो, वैसे देखो मैंने ये चीज को बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की इनइक्वालिटीज, ठीक है, इनइक्वालिटीज वहां का कॉन्सेप्ट है, पर चलो अब तुम्हें आता, अगर तुम समझ जाओ तो अच्छी बात हो जाएगी, यहीं पर ही, यहीं पे काम हो जाएगा, यहीं के यहीं काम हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स एक्स जो है एक तरीके से ये क्या, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कॉस इनवर्स एक्स जो है ना वो जीरो से पाई बाय थ्री के बीच में। अब जो कॉस इनवर्स एक्स होता है, अगर आपको याद हो तो उल्टा फा, राइट, सॉरी उल्टा फा नहीं सीधा फा, ठीक है, ये इसका ग्राफ होता है जीरो से पाई में, ये जीरो से आपका पाई का ग्राफ बनता है इसका, राइट। अब पाई बाय थ्री तो यहाँ पे कहीं पे होगा, क्योंकि वो तो पाई बाय टू है, ये तो पाई बाय टू है, तो जीरो से पाई बाय थ्री में, जीरो से पाई बाय थ्री तक आपने रिस्ट्रिक्ट करवा दिया है साहब, ठीक है। तो जीरो से पाई बाय थ्री में ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, जहां पे कॉस इनवर्स पाई बाय थ्री हो जाता है, वो कौन सा पॉइंट होगा, जीरो पे तो ये पाई बाय टू है भाई साहब, जीरो पे पाई बाय टू है, ठीक है, ठीक है। कॉस इनवर्स के अंदर अगर तुम जीरो डालोगे तो पाई बाय टू आएगा, पर कॉस इनवर्स के अंदर तुम क्या डालोगे कि पाई बाय थ्री आएगा, वन बाय टू, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कॉस इनवर्स एक्स आपका जीरो से वन बाय टू में, यानी कि यहां से यहां तक है बेसिकली, सॉरी कॉस इनवर्स एक्स आपका जीरो से पाई बाय थ्री में, उल्टा बोल गया मैं, जीरो से पाई बाय थ्री में है, यानी कि यहां से यहां पे ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ठीक है ना, तो ये वाला कौन सा होगा, ये वन होगा ना, ये वन होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या इतने लोग समझ जाएंगे कि अगर मैं ऐसे लिख दूं एक्स आपका वन बाय टू से वन के बीच में होगा, कितने लोग समझ गए इस ग्राफ को देख करके, ठीक है। मैं थोड़ा सा गंदा ग्राफ बनाया है, ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ समझाने के लिए आपको, क्योंकि बस मैं एक ही बार समझाऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस के हिसाब से करेंगे इसको, ठीक है ना, क्वेश्चंस के हिसाब से करेंगे, जैसे ये बना हुआ मैंने यहाँ पर, ठीक है।
अब ये वाला एरिया तो पाई बाई टू है, ये तो पाई बाई टू है, ये आपका जीरो है। अब ये हमारा कहीं पे पाई बाई थ्री होगा, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे पाई बाय थ्री होगा, तो पाई बाय थ्री पे जो एरिया बना है वो ये एरिया नहीं, मतलब जो पॉइंट कटा है वो ये। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो हमें पता है ये तो वन होता है, ये तो वन होता है, ये वन है, और ये क्या है, ये वन बाई टू है। मतलब थोड़ा ग्राफ मैंने उल्टा सीधा बना दिया, वन बाई टू तो आधा में होगा, बट इट्स ऑल राइट कि जब तुम कॉस इनवर्स के अंदर वन बाई टू लेते हो तो आपका पाई बाई थ्री आता है और वन पे जीरो हो जाता है, यानी कि ये वाला एरिया हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा। तो एक्स आपका वन बाई टू से वन में हो गया। और वरना अगर तुम थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा सा सोच लो, तो इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे बिना ग्राफ बनाए। देखो कॉस का जो ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। मतलब क्या, मतलब क्या कि अगर मैं दोनों तरफ कॉस ले लूंगा तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, कॉस पाई बाय थ्री, कॉस पाई बाय थ्री कितना आता है, वन बाय टू हो जाएगा, एंड बस इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, यहाँ पे एक्स आ गया। ऐसे ही हम इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं, हम बोल देंगे टेकिंग कॉस बोथ साइड्स, ठीक है, वो चीज़ हम क्वेश्चंस में कर लेंगे, ठीक है। आई होप सो ये बात थोड़ी क्लियर हो रही है, ठीक है। तो यहां से हमें मिल गया कि ये जो पहला वाला बंदा है हमारा वो ये हो गया कि एक्स जो है वो वन बाय टू से वन में है, और क्योंकि हमने यहाँ पे क्लोज दे रखा है तो आप यहाँ पे बड़े प्यार से क्लोज बना सकते हो, ठीक है। अब पाई से टू पाई है ना, ये पाई से टू पाई, तो यानी कि पाई बाय थ्री से टू पाई बाय थ्री, ये आपका दूसरा इंटरवल बना, पाई बाय थ्री से टू पाई बाय थ्री, है ना, पाई बाय थ्री से टू पाई बाय थ्री। कॉस ले लो दोनों तरफ तो पाई बाय थ्री भी कितना आएगा, पाई बाय थ्री भी कितना आएगा, वन बाय टू, टू पाई बाय थ्री भी कितना आएगा, माइनस वन बाय टू। तो एक्स आपका माइनस वन बाय टू से वन बाय टू में हो जाएगा, ठीक है, बात समझ लो, फीलिंग आ गई, ये माइनस वन बाई टू से वन बाई टू में हो गया, ठीक है, ये आपका एक्स है, ठीक है जी, बिल्कुल। फिर अब नेक्स्ट बता दो, आई गेस कई लोगों ने तो गैस पहले ही कर लिया होगा कि बेसिकली माइनस वन से माइनस वन बाई टू वाला केस बोलने वाले हो सर आप, फिर भी आप एक बार सर बता दो। तो अगर मैं बोल दूँ कि भाई टू पाई से थ्री पाई है, तो थ्री से डिवाइड कर दोगे, तो जब टू पाई से थ्री पाई में होगा तो इट वुड बी टू पाई बाई थ्री से, टू पाई बाय थ्री से थ्री पाई बाय थ्री, दैट इज पाई। यही ये सोचा पूरा जीरो से पाया था हम लोगों ने, पूरा एकदम सिस्टमेटिकली कर दिया, तो टू पाई बाय थ्री से पाए भाई, तो टू पाई बाय थ्री से पाए, तो टू पाई बाय थ्री पे क्या आएगा, माइनस वन बाई टू, पाए पे कितना आने वाला है, वन, तो सॉरी माइनस वन, दैट मेक्स इट क्लियर, है ना भाई, आपका माइनस वन बाई टू से माइनस वन, ये चीज आपकी बन जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला जो आपको बुकों में लिखा हुआ मिलेगा, कंप्लीट इंटरवल अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा बुकों में, वो बोल देंगे याद कर लो इसको। तो मुझे बताओ याद करने की जरूरत है, बिल्कुल भी जरूरत है इसको याद करने की, नहीं। और पता है क्या, एक्चुअली में एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं दिया हुआ होगा, एग्जाम में वो ऐसे बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्री कॉस इनवर्स वन बाय फाइव, वो ये बोलेगा इसकी वैल्यू फाइंड करो भाई साहब, ठीक है। तो मैक्सिमम तो आपके इसी में आ जाएंगे, ठीक है, और जो इसमें नहीं आएंगे वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर तुरंत क्या लिख दोगे आप, टू पाई माइनस कॉस इनवर्स, क्योंकि इस वाले में लाई करेगा ना, वन बाय फाइव तो वन बाय टू से छोटा होता है ना, इसमें लाई करेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा टू पाई माइनस कॉस इनवर्स के अंदर ये चीज़। एक तरीका तो ये कि अगर आपको फॉर्मूला याद करो तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो, ठीक है, और वरना तुम पूरा का पूरा मेथड इस पे अप्लाई कर सकते हो। तुम बोल सकते हो कि भैया ये ले देकर के क्या दिखा हुआ है, थ्री कॉस इनवर्स वन बाई फाइव, इसका मैंने ले लिया कॉस, फिर इसी का मैंने ले लिया कॉस, अभी मैं ये सब चीज़ें चलो अभी छोड़ो, ये मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में बताऊंगा कहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, कहाँ पे पूरा मेथड अप्लाई करना है, अभी तुम मेन गाड़ी को समझो, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को समझो मेन कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमने कर दिया कॉस इनवर्स के टर्म्स में जब मैं इसको लेकर आया। अब मान लिया मुझसे वो बोलता, अब ये तुम्हें किसी बुक में नहीं मिलने वाला है ना, कि अब उसने ये बोल दिया कि इसको टैन के टर्म्स में लाओ, मतलब कि थ्री कॉस इनवर्स जो है इसको मुझे टैन इनवर्स के टर्म्स में चाहिए मेरे को, ये ठीक है, ये मेरा मैं बोल रहा हूँ करने के लिए तुमसे, ठीक है साहब। तो आप कैसे करोगे, कैसे करोगे, तो मैं बता रहा हूँ ना कैसे करोगे। तुम बोलोगे भाई टैन इनवर्स टैन थ्री कॉस इनवर्स है ना, दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे पहले इसको। पहले जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मैंने देखा भैया ये लिखा हुआ क्या ले लेकर के, ये लिखा हुआ है टैन इनवर्स, टैन के अंदर कोई एंगल लिखा हुआ है ए, कोई एंगल ही तो है ना, ले लेकर के एंगल ए मान लिया मैंने इसको। अब जो टैन इनवर्स होता है आपका, अब थ्री कॉस इनवर्स यानी कि जो एंगल ए है वो जीरो से थ्री पाई में नाच रहा है आपका, जीरो से थ्री पाई में एंगल ए, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता था, सॉरी इसका ग्राफ क्या बनता था, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में, ठीक है, ये पाई बाय टू है, ठीक है, फिर यहां से आपको दोबारा एक लाइन बनती थी, ये जीरो है, ये पाए है, ऐसे करके पूरा ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं ये पाए है, ठीक है, ये टू पाए है, ये मान लेते हैं ये थ्री पाए है, ये टू पाए, ये हटा दो वाई एक्सिस यहाँ से, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा जगह की कमी की वजह से, ठीक है, ये टू पाए है और ये आपका पाए है, तो एक और लाइन यहाँ से पास कर गई, फिर क्योंकि मुझे अभी मैंने ऐसी रैंडमली बोल दिया ना तुमसे करने के लिए, ये कोई क्वेश्चन ऐसा बुकों में नहीं मिलेगा आपको करने के लिए, पर फिर भी मैं तो एकदम जनरलाइज बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, क्योंकि हम पीएचडी कर रहे हैं, तो पाए है और ये आपका जीरो है, ठीक है, ये जीरो आ गया, यहाँ से आपकी वाई एक्सिस पास करेगी, यहाँ से नहीं कर रही है, ठीक है, ये जीरो, ये पाए, ये टू पाए, ये थ्री पाए, बढ़िया। अब देखो कितने सारे इंटरवल्स बनेंगे, क्योंकि मैंने एक्चुअली फालतू में क्वेश्चन ले लिया तुम्हारे सामने, टफ हो जाएगा टैन के केस में, क्योंकि जीरो से थ्री पाए में बहुत सारे केस बनेंगे, जीरो से थ्री पाए में एक तो ये बन गया,
फिर एक ये बनेगा, तो ये सारे के सारे एक्स होते हैं, सब एक्स है, ये सब एक्स है, ये एक्स है, ये पाई से पास कर रहे थे कि माइनस पाई प्लस एक्स हो गया, ये टू पाई से कर रहे थे माइनस टू पाई प्लस एक्स हो गया, फिर ये माइनस थ्री पाई प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस थ्री पाई प्लस एक्स। चलो वो तो ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस आ जाएंगे, एक्चुअली बहुत सारे केसेस आ जाएंगे, वो चलो वो देख लेंगे। टैन इनवर्स टैन थ्री कॉस इनवर्स एक्स, अब इसको हम अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, हम इसको वैसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं कि भैया ये ले देकर क्या लिखा हुआ है, मेरे को तो ये दिख रहा है कि भैया टैन इनवर्स टैन थ्री थीटा दिख रहा है सर मेरे को, तो मैंने तो सर सीधी बात है अपन ने तो देख लिया है ऐसे लिखा हुआ है थीटा, खत्म छुट्टी बात, ठीक है ना साहब। तो ये क्या बन गया, ये बन गया टैन इनवर्स के अंदर टैन थ्री थीटा, दैट इज टैन सॉरी थ्री टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा वन माइनस थ्री टैन स्क्वायर थीटा, एंड ऑफ डिस्कशन, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब तुम कहोगे लेकिन ये तो टैन थीटा लिखा हुआ है पर हमें तो टैन थीटा के टर्म्स में दे नहीं रखा, मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल वही वाली चीज नहीं बन गई जो हम लोगों ने टाइप वन फाइंडिंग वैल्यूज के अंदर जो हम लोगों ने किया है ना, बिल्कुल वही चीज बन गई ना। तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, इसमें आप बिल्कुल इसको ऐसे देखो कि ये तो ऐसे लिखा हुआ है एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा जो है वो एक्स के बराबर है, वो एक्स के बराबर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या आप यहां से टैन थीटा निकाल सकते हो, सिर्फ बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई, कॉस थीटा एक्स, यानी कि ये एक्स है, ये एक्स है तो ये वन है, दैट मीन्स कि ये कितना हो गया, ये हो गया वन माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। पर ये तो सिर्फ तभी हो सकता है सर जब एक्स पॉजिटिव हो, अगर एक्स नेगेटिव हो गया तो क्या करोगे, मेरे को तो मर जाएंगे बहुत बुरे वाले, तो मर जाएंगे बहुत बुरे वाले। पर सोच के देख, अगर एक्स नेगेटिव भी हो गया, मैं तो कह रहा हूँ अगर एक्स नेगेटिव हो गया, माइनस नेगेटिव आ गया, तो भी तो यहाँ पे रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है ठीक है। तो एक्स पॉजिटिव के लिए आपको अलग केस बनाना पड़ेगा, एक्स नेगेटिव के लिए आपको अलग केस बनाना पड़ेगा। तो अगर आपने बनाया, देखो ये क्वेश्चन मैंने फालतू में ले लिया, मैं कह रहा हूँ फिर से मैंने फालतू में ले लिया आपको बस समझाने के लिए कि क्या बन सकता है टफ से टफ, ठीक है। तो अगर हम करते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, एडवांस लेवल क्वेश्चन समझ के कर लेना, ये लेजिट क्वेश्चन है ये अपने आप में, इसको इसको निकालो एडवांस लेवल क्वेश्चन। तो ये क्या हो गया, टैन इनवर्स के अंदर ये क्या आ जाएगा, टैन थीटा की तरह आप क्या लिख दोगे, है ना, ये तो लिखोगे वन माइनस, ये तो थ्री ये बन गया, फिर टैन क्यूब में यही चीज लिखी रहेगी, इसका क्यूब हो जाएगा डिवाइड बाय वन माइनस थ्री, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको तुम एलसीएम एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये पर फलाना चीज जो है, ये जो यहाँ पे इतने सारे केसेस हो जाएंगे उनके बराबर आएगी, फिर तुम हर एक, फिर जो थ्री कॉस इनवर्स एक्स होगा तुम उसको तो इधर लिख दोगे और बोल दोगे कि ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, एंड दैट इज हाउ यू वुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसमें अगर एक्स पॉजिटिव हो गया तो अलग केस बनेंगे, एक्स अगर नेगेटिव हो गया तो फिर यहीं पे माइनस एक्स आ जाएगा, तो उसका एक्सप्रेशन ही दूसरा होगा, ठीक है। ये बात आई गेस समझ में आ रही होगी, ठीक है। एक्स इक्वल टू जीरो वाले के लिए आप ये वाला केस यूज कर सकते हो, ये वाला केस यूज ही नहीं कर सकते, एक्स इक्वल टू जीरो डालोंगे नहीं हम इसमें, ठीक है ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, आप अलग से लिखना पड़ेगा कि एक्स इक्वल टू जीरो इज नॉट वैलिड हियर। ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू जीरो यहाँ पे उसको अनडिफाइन कर रहा है ना, क्योंकि ये वाला जो x है तुम सोच लोगे कि लेकिन सर tan के अंदर तो जीरो आ सकता है ना, मैंने कहा भाई tan के अंदर जीरो आ सकता है, पर tan के अंदर देखो tan क्या होता है, ले ले करके tan इज बेसिकली a बाय b, जो मेरी फिलोसफी उसके हिसाब से, तो b जीरो नहीं हो सकता ना यार, तुमने यहाँ पे b जीरो कर दिया, ध्यान से देखो मेरी नजर से, क्योंकि cos इनवर्स के अंदर b आता है, राइट, सो वो वाली बात है। तो खैर, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बात समझाऊं तो मैंने अभी तक सिर्फ ये बोला है, मैंने अभी तक सिर्फ ये बोला है कि अगर कोई t इनवर्स के ऊपर तुम्हारे ऊपर कुछ उसने एलजेब्रा करके दे दिया, कुछ भी उसने कर दिया, ताम झाम कर लगा दिया उसने, तो इसको और जब वो बोलेगा कि इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो वो तुमसे ये बोल रहा है, वो तुमसे ये बोल रहा है कि इसको किसी कंबाइंड फॉर्म में लिखो, किसी टी इनवर्स के टर्म्स में कंबाइन करके लिख दो इसको। तो तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, जो भी ये टी इनवर्स, मानो उसको मैं टी वन बोल देता हूँ, तो इसके जो भी ये लिखा हुआ है, ये जो भी लिखा हुआ है, इसका टी वन ले लो पहले, तो उसका टी वन ले लो, यानी कि इसका मानो अगर टैन में बोला तो टैन ले लो पहले इसका, और फिर उसी का टी इनवर्स ले लो, उसका टी इनवर्स ले लो, फिर इसको एक बार तो ऐसे सॉल्व कर लो, एक बार तो ऐसे सॉल्व कर लो जैसे टी इनवर्स टी एक्स को सॉल्व करते हो, और फिर एक बार इसको ऐसे सॉल्व कर लो जैसे टी इनवर्स के अंदर टैन थ्री थीटा टैन उस टाइप का फॉर्मूला लगा कर लो, और फिर इन दोनों को इक्वेट कर दो, और बस उसके बाद सब कुछ एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट करके, एंड देन यू वुड बी गुड टू गो। दैट्स हाउ यू डू इट, दैट्स हाउ यू विल डू इट, दैट्स हाउ यू डू इट। आई गेस इसमें आपको समझ में आ गया होगा, मजा आ गया होगा, ओके बढ़िया। अब आता है नेक्स्ट खिलाड़ी, और वो और खतरनाक है, वो तो और ही मजेदार है, वो है टाइम ट्रैवल। वो सोचोगे टाइम ट्रैवल कहाँ से बीच में आ गया यार, आइंस्टाइन स्पेस टाइम है, ये सब कहाँ से बीच में आ गया। टाइम ट्रैवल ऐसे है, जैसे मैथ्स की दुनिया में टाइम ट्रैवल ऐसे रिवर्स, तुम्हें उल्टा जाना है, उल्टा, ठीक है। उल्टा कैसे, मैं यहीं से समझा देता हूँ। मान लो अब क्वेश्चन वाला तुम्हें ये देगा कि बताओ सर कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, ये अभी हम लोगों ने देखा था इस चीज को, इसकी वैल्यू कितनी होगी। जब उसने बोला अब वो पूछ कह रहा है, अब बोला इसकी वैल्यू कितनी होगी, मैं बोला पहले इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब वो ये है, मतलब ये है साहब, मतलब ये है, वो ये बोलना चाह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करके लिख दे एक्स के टर्म्स में, इसको सिंप्लीफाई कर दे, यानी कि
इंडिविजुअल टर्म्स में लिया, इंडिविजुअल टर्म्स में बेसिकली वो ये चल रहा है कि तुम बैक ट्रेसिंग करो, इंडिविजुअल टर्म्स में लिया, वापस लिया इसको, वापस लिया सर क्या बोल रहे हो। देखो हमारे पास एलजेब्रा लगा हुआ था टी इनवर्स के ऊपर, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि 3 cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स के ऊपर एलजेब्रा लगाया तो 3 cos इनवर्स x बन गया। अब मैं बोल रहा हूं कि टी इनवर्स के अंदर, यहां पे तो सिंपल टी इनवर्स x था, टी इनवर्स के अंदर एलजेब्रा लगा दिया उसने। फीलिंग आ रही है, फीलिंग आ रही है। पहले बवाल बाहर था, अब जो बवाल है वो अंदर आ चुका है, पहले मैस बाहर था अब मैस अंदर है। ये मैस, ये बवाल ही तो है, ये एलजेब्रा राइट। अब वो इसको हमको इसके टर्म्स में लिखना था, अगर तुमने नोटिस किया हो तो हम पहले क्या कर रहे थे, हम ये कर रहे थे कि हम इसको इसके टर्म्स में लिख रहे थे। अब क्वेश्चन वाला बोल रहा है वापस से, अब मैं तुम्हें ये दे रहा हूं यहां से यहां जाना है तुम्हें, हमने यहां से यहां जाने का तो सफर हमें पता है, पर अब हम यहां से यहां का सफर बता रहे हैं, ठीक है। तुम ध्यान से देखो तो ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यस कर चुके हैं, ठीक है। तो तुम्हें यहां से यहां जाना है। अब वो ये क्या बोल रहा है, अब बोले इसको सिंप्लीफाई करो, यानी कि वो ये चाहता है कि तुम वापस से इसको cos इनवर्स के टर्म्स में लिख दो सिंप्लीफाई करके। अब वो कैसे करोगे यार, है ना, अब इसको सिंपल cos इनवर्स के टर्म्स में कैसे सिंप्लीफाई करोगे, क्या तरीका है इसको करने का। देखो दिस वुड बी ऑब्वियसली टफ, देखो अभी जब आगे जाके तुम कैलकुलस पढ़ोगे ना तो उसमें एक होता है डिफरेंशिएशन, फिर एक होता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन करने में तो बहुत मजा आते हैं क्योंकि डायरेक्ट होता है, इंटीग्रेशन में उल्टा सोचना पड़ता है कि ऐसा क्या डिफरेंशिएट करूंगा कि ये आएगा, इसलिए इंटीग्रेशन में नौटंकी होती है। ऐसे ही इसमें भी नौटंकी होगी, तो ये आपके एडवांस लेवल क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे इसी का एक और भाई हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा साइन इनवर्स के अंदर 2x 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये बिल्कुल देख सकते हो तुम। तो तुम एक ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी टी इनवर्स के अंदर कुछ बवाल दे रखा है, कुछ एलजेब्रा में दे रखा है, सही कह रहा हूं एकदम। तो हमें इसका रिवर्स सोचना है, हमें इसका रिवर्स सोचना है। रिवर्स कैसे सोचोगे, देखो तुमने कर रखा है ऑलरेडी, ऑलरेडी कर रखा है, ये देखो ये इसका आंसर लिखा हुआ है, ये इसका आंसर लिखा हुआ है, लो तुम्हारे सामने आंसर, लो इसका। अरे मैंने तुमसे क्या पूछा कि इसको इसके टर्म्स में लिखो, लिखा हुआ तो है भाई, ये इसके बराबर लिखा हुआ है या फिर ये इसके बराबर या फिर ये इसके बराबर है, सिंपल। तुम कहोगे हाँ सर आंसर तो लिखा हुआ है पर ये कहां से आया, मैंने कहा एग्जैक्टली बस यही जान लो यही आंसर है इसका, ये कैसे आया था, ये यहां से आया था, ये यहां से आया था। मैं कह रहा हूं तुम्हें तो क्वेश्चन में बस वो ये देगा ना, तुम्हें तो वो क्वेश्चन में बस ये देगा, यहां से हम पहले यहां जाएंगे, फिर यहां से हम यहां जाएंगे, फिर यहां से हम यहां जाएंगे, और फिर यहां से हम यहां जाएंगे, और हम बोल देंगे ये दोनों बराबर है। नहीं ये बात समझ में, देखो जो हमने यहाँ पे किया ना, हमने क्या किया है, x क्यूब की जगह पे तुमने वापस से cos लिख दिया। तो सबसे पहला काम यही होता है जो तुम इन क्वेश्चंस में करते हुए देखोगे, जैसे किसी ने बोल दिया भाई कि cos इनवर्स 4x का क्यूब माइनस 3x, ये निकाल के दो मेरे को, ये मेरे को निकाल, ये मेरे को निकाल के दे साहब, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि x को पहले तो तुम cos थीटा बोल दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा, अब कई लोगों का तो यही काम तमाम हो गया होगा कि ऐसे कैसे cos थीटा बोल दिया। अगर तुम मेरे जैसे बंदे हो जो कि हर चीज का लॉजिक जानना चाहता है, तुम बोलोगे ऐसे कैसे x को cos थीटा बोल दिया, यहां कहीं लिखा हुआ है कि x को cos थीटा बोलना है, मैं नहीं लिखा हुआ है तो मैं क्या करूं, इसको तुमने cos थीटा कैसे बोल दिया सर, क्योंकि सर ये तो x कुछ भी हो सकता है ना, यहां पे तो x कुछ भी हो सकता है। जब आपने x को cos थीटा बोल दिया तो cos थीटा तो माइनस वन से वन में हो सकता है भाई, cos थीटा ये जो चीज लिखी हुई है ये पूरी चीज माइनस वन से वन में नाचती है भाई, cos का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ऐसा ही तो होता है, सॉरी ये तो साइन का हो गया, ऐसा ऐसा ही तो होता है ग्राफ, है ना, ले देकर के वन से माइनस वन में होता है। पर सर यहाँ जो एक्स लिखा हुआ है, यहाँ जो एक्स लिखा हुआ है वो तो कुछ भी हो सकता है ना, कोई कंडीशन थोड़ा दे रखी है, यहाँ पे आपने सिंपल दे रखा है कि भाई cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, है ना। तो ये कैसे बोल दिया कि x को cos थीटा बोल दिया, हाउ एग्जैक्टली exactly? मैं कैसे मान लूं कि ये सच है, ये तो एक स्पेशल केस लग रहा है सुनने में, अभी हम इसका लॉजिक देंगे तुमको, ठीक है। अभी के लिए मान लो, तो अगर अभी बस अभी देने वाला हूं, ठीक है, बस एक बार सुन लो कि जैसे मैं इसको cos थीटा माना तो ये बन गया 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, बिल्कुल बन गया। अब बिल्कुल वही चीज हो जाएगी ना, अब तुम इसको उल्टा देख रहे हो, तुम देख रहे हो हर चीज को तुम रिवर्स कर रहे हो, ठीक है। पहले तुम ऐसे आए थे, अब मैं वैसे जा रहा हूं, अब ये चीज जो है ये क्या बन जाएगी, ये बन गई cos 3 थीटा, cos 3 थीटा। अब फॉर्मूला लगा दो भाई, cos इनवर्स cos 3 थीटा कितना क्या होता है, cos इनवर्स cos 3 थीटा, अरे कुछ नहीं है सर। अब हमें ये सोचना है कि हमने x को cos थीटा बोला है, इसको एक्चुअली हम ऐसे बोलेंगे कि cos इनवर्स x को तुमने थीटा बोला होगा, ये सब मैं अभी समझाऊंगा, डोंट यू वरी, ठीक है। दैट मींस कि तुमने ये बोल दिया, ये करते ही तुमने बोल दिया कि थीटा जो है वो तो 0 से पाई में नाच रहा है, क्योंकि थीटा जो है वो cos इनवर्स x के बराबर है ना, ठीक है। दैट मींस कि 3 थीटा जो होगा वो 0 से 3 पाई में नाचेगा, क्योंकि वो 0 से 3 पाई में नाचेगा, तो ग्राफ के हिसाब से खच 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 तंबू गाड़ दिया हमने, ठीक है ना। ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, तो सब 0 से पाई में तो 3 थीटा ही आ जाएगा, ठीक है, अगर आपका ये 0 से पाई में है। वरना क्या आएगा, वरना आएगा वही जो हम लोगों ने अभी किया था ना, बिल्कुल उसी तरीके से 2 पाई माइनस 3 थीटा माइनस जो भी वो आए थे आपके, ठीक है ना, माइनस 2 पाई प्लस 3 थीटा, राइट। तो ये तीन केस बन जाएंगे, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो ना ये चीज़ अब इसके बराबर आ गई ना, और ये तो तुम चाहते थे, ये क्या लिखा हुआ है 3 cos इनवर्स x, है ना, cos इनवर्स के टर्म्स में आ गई। अब इनइक्वालिटी तुम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर देना जैसे तुमने किया था, पर यहां सर आपने बहुत मामला खराब किया है, आपने यहां पे बहुत मामला मेरा खराब कर दिया। क्या कराया आपने, ये
देखो ज्यादातर टीचर्स, ज्यादातर छोड़ दो 100% टीचर्स मान लेते हैं, मेरे को तो आज तक कोई मिला नहीं जिसका लॉजिक समझा रहा है तुम्हें बैठ करके, ठीक है, क्योंकि मेरे को कोई मिला नहीं तो मैं अपना खुद का लॉजिक समझाता हूँ जो मुझे समझ में आया, ठीक है, कि काय को क्या कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है। सोच के देखो कि ये सब तो आपने कर दिया, पर आपने ये जब शुरुआत करी तो आपने सबसे पहले क्या बोला कि एक्स को कॉस थीटा मान लो। सर मेरा तो यहीं पर काम तमाम हो गया, एक्स को कॉस थीटा कैसे मान लूं? अगर कॉस थीटा माइनस वन से वन में है तो आप तो ये बोल रहे हो कि एक्स जो होता है वो तो माइनस वन से वन में होना चाहिए, पर ऐसा थोड़ा होता है, कॉस इनवर्स एक्स जो होता है उसमें एक्स जो है वो माइनस वन से वन में होना चाहिए। सही कह रहा हूँ मैं एकदम सर, है ना? बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटे, लेकिन यहाँ कोई एक्स होना लिखा हुआ, यहाँ तो ये बवाल लिखा हुआ है, तो ये बवाल माइनस वन से वन में होना चाहिए, ये जो बवाल घोटा लिखा हुआ है ये माइनस वन से वन में होना चाहिए, है ना भाई? ये पूरा बवाल घोटा माइनस वन से वन में होना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, 4x³ - 3x, ये पूरी चीज माइनस वन से वन में होनी चाहिए। ये सब चीज हम आगे पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज में, अभी मैं उन सबका नाम ही नहीं ले रहा, मैं अभी बस बिल्कुल प्योर फंडामेंटल लॉजिक पे बात कर रहा हूँ कि जो भी बवाल होता अंदर लिखो था कॉस इनवर्स का, ये माइनस वन से वन में होगा। ये आपसे आपने कैसे बोल दिया कि एक्स कॉस थीटा के बराबर हो गया? इसमें तो आपने सीधे सीधे ये बोल दिया क्योंकि कॉस थीटा माइनस वन से वन में है, तो आप ये बोल रहे हो कि एक्स माइनस वन से वन में होगा, ये बोलो ना आप तो। पर सर ये है माइनस वन से वन में, मैंने कहा ये बोलो चाहे ये बोलो बात एक ही है, तुमको ऐसे कैसे मान लिया यार ये कैसे हो गया। मैं देखो सुनो, इसका ग्राफ बनाते हैं, 4x³ - 3x एक पॉलिनोमियली तो है ना, ले दे करके। देखो हम हर क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगाएंगे, अभी हम एक डिस्कशन सॉर्ट ऑफ कर रहे हैं, एक एक चीज को कंसेप्चुअल पॉइंट पे समझ रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम इतना डिटेल में जा रहे हैं क्योंकि मुझे हर चीज एडवांस लेवल पे लेकर जानी है, और एडवांस लेवल मतलब होता है डूबना हर चीज में, ये क्यों हो रहा है, वैसे कैसे हो रहा है, ये एक एक चीज को मैथमेटिकली समझना। और जितना तुम मैथ्स के अंदर ऐसे डूबते हो ना उतना तुम्हारा डर निकल जाता है मैथ से, तुम प्यार जब करने लगोगे मैथ से तो उसके क्वेश्चनों से कभी खौफ नहीं खाओगे, जब मैथ से हेट करते रहोगे तो फिर बैंड ही बच जाने वाली है। तो ये बन हुआ है x·4x² - 3x, राइट? तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा अगर तुम सोचो, अगर तुम्हें वो याद हो, देखो ये तो डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो, 2x - √3, है ना, और ये बन जाएगा 2x + √3, ठीक है। ये इसके तीन रूट्स हो गए, एक रूट हो गया 0, दूसरा रूट क्या हो जाएगा √3/2, और तीसरा हो गया −√3/2, राइट? अब प्लस माइनस एंड ऑल का गेम होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, फिर यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, दैट मीन्स कि ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा होगा इसका। ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में कि ऐसा ही ग्राफ क्यों बना, ठीक है, बढ़िया। अब सुनो और बहंगम बात, तुम चाहते हो कि ये वन से माइनस वन में नाचे, तो मैं पहले ये सोचूं कि वन वाली लाइन कौन सी होगी, वन कब हो रहा होगा, 4x³ - 3x ये चीज वन के बराबर कब हो रही होगी? तो क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी, देखो मैं भी यहाँ पे कोई बहुत डीप लेवल कैलकुलस पर डिस्कशन नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जब तुम एक्स अगर माइनस वन से वन में हो गया, यानी कि अगर एक्स में एक वैल्यू है वन, दूसरी है माइनस वन, ये माइनस वन है, ये आपका वन है, जब तुम इसमें वन डालोगे, वन डालना था एक बार, 4 - 3 1 हो गया, यानी कि वन पे आंसर वन ही आ रहा है, ये रहा वन, ये वन है आपका, ठीक है, दिस इज वन, ठीक है। अब इसमें माइनस वन डालो, तो माइनस वन डालोगे तो −4 + 3, दैट इज −1। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि ये जो पूरा फंक्शन है, ये जो पूरी नौटंकी है, ये माइनस वन से वन में नाचनी चाहिए, ठीक है। तो तुम ये देख सकते हो ये पूरा ग्राफ जो है, ये जो पूरी चीज़ लिखी हुई है, ये जो पूरी की पूरी चीज़ लिखी हुई है, ये माइनस वन से वन में ही नाच रही है। अरे ये माइनस वन है ना, और ये वन है, तो ये माइनस वन से वन में ही तो नाच रहा है। जब ये माइनस, जब एक्स माइनस वन से वन में है तो 4x³ - 3x, ये जो बवाल घोटा लिखा हुआ है, ये भी माइनस वन से वन में है। ये बड़े इंटरेस्टिंग बात है, ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हमेशा नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि अगर x माइनस वन से वन में होता है तो दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल लिख दोगे वो भी माइनस वन से वन में होगा, ऐसा नहीं होता है, बस इसी पॉलिनोमियल में हो रहा है। अगर तुमने यहाँ पे −2 डाल दिया तो तुम देख सकते हो कि वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी, अगर वन से कुछ भी बड़ा डाला तो वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि माइनस वन से वन में ही ऐसा हो रहा है। दैट मीन्स कि अगर तुम चाहते हो कि कॉस इनवर्स डिफाइन रहे, यानी कि अगर ये क्वेश्चन डिफाइन है, अगर किसी ने बोल दिया कि कॉस इनवर्स 4x³ - 3x, ये जो चीज़ तुम्हें दे रखी है वो बोल रहा है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है, मतलब वो ये बोल रहा है कि कॉस इनवर्स के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है वो माइनस वन से वन में होगी, और अगर इसको माइनस वन से वन में होना है तो उसके लिए एक्स को माइनस वन से वन में होना पड़ेगा। तो अगर अब मैं बोल दूं तुमसे कि एक्स कॉस थीटा के बराबर है तो क्या मैंने कोई गलती करी है? कोई गलती नहीं करी है मैंने, क्योंकि एक्स माइनस वन से वन में ही हो सकता है। और सबसे बढ़िया तरीका इसको बोलने का क्या है, ये बोल दो कि भैया एक्स कॉस थीटा के बराबर है, क्योंकि कॉस थीटा जो है वो भी माइनस वन से वन में ही होता है। तो एक्स अगर तुमने कॉस थीटा के बराबर बोल दिया है तो कुछ लूज नहीं हुआ है तुम्हारा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि अरे अगर ये एक्स इक्वल टू 2 हो गया तो क्या हो सकता है, अबे हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो बड़े प्यार से आप इसमें कॉस थीटा डाल सकते हो, कोई आपने कुछ लॉस नहीं किया, बिल्कुल परफेक्ट काम किया यहाँ पे। पर ये लॉजिक कोई नहीं समझाता, ये लॉजिक कोई भी नहीं समझाता, वो बस डायरेक्टली बोल देते हैं कि बेटा बस मान लो कि एक्स कॉस थीटा के बराबर है। अब एक तो चलो ये गेम हो गया, अब मैंने इसमें एक और चलाकी करी थी, मैंने ये नहीं बोला था कि x को cos थीटा मान लो, मैंने बोला था कि cos इनवर्स x को थीटा मान लो और फिर बोलो कि x जो है वो cos थीटा है, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जब मैंने बोल दिया कि cos इनवर्स x थीटा के बराबर है तो मुझे थीटा मिल गया, मैं बोल दिया कि थीटा जो है ना वो 0 से पाई में होगा, ठीक है।
लेकिन तुम कहोगे नहीं सर मैं तो ऐसे बोलूंगा नहीं, मैं तो डायरेक्ट बोलूंगा कि एक्स जो है वो कॉस थीटा है। और सर अब तो आप फंस गए। मैंने कैसे फंस गया मैं, क्योंकि सर अगर एक्स कॉस थीटा के बराबर है ना तो थीटा जो होगा ना वो तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक्स आपका माइनस वन से वन में नाच रहा है, और कॉस थीटा का जो ग्राफ होता है, कॉस थीटा का जो ग्राफ होता है उसके हिसाब से तो थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा कोई भी रियल नंबर हो जाए वो माइनस वन से वन में ही नाचेगा। तो इसके हिसाब से तो मेरा आंसर आ रहा है थीटा कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा एग्जैक्टली, हमें पता है कि थीटा कुछ भी नहीं हो सकता है। कैसे? क्योंकि क्योंकि क्या मतलब क्या बोलना चाह रहे हो सर आप? देखो ये थोड़ी टेढ़ी खीर होगी समझाने के लिए कि क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। यहां पे भी आंसर 0 से 3 पाए ही आएगा, सॉरी 0 से 3 पाए नहीं, यहां पे भी आंसर 0 से पाए ही आएगा, 0 से पाए ही आएगा। क्यों आएगा? क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा, वो इसलिए आएगा क्योंकि अगर तुमने मानो अभी के लिए इसको थीटा बिलोंग्स टू आर मान दिया, अभी के लिए तुमने इसको थीटा बिलोंग्स टू आर बोल दिया, ठीक है कि थीटा बिलोंग्स टू आर है, तो तुम ये करोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी भी पूरा परफेक्टली डिफाइंड है, एकदम परफेक्टली डिफाइंड है सब कुछ। तुम हाँ ठीक है, फिर यहां से यहां ला जाने में भी तुमने बोला बिल्कुल परफेक्टली डिफाइंड है, कॉस इनवर्स के अंदर कॉस 3 थीटा लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। लेकिन इसके आगे अगर तुम देखोगे, लेकिन अगर तुम इसके आगे देखोगे कि भाई कॉस इनवर्स के अंदर कॉस 3 थीटा दे रखा है, तो तुम इसको लिखोगे कि भैया ये बराबर हो गया 3 थीटा के, फिर 2π-3 थीटा एंड ऑल दैट के, तो तुम कहोगे यहाँ तो सर इनफाइनाइट केसेस बन जाएंगे, क्योंकि आपने भाई थीटा तो बिलोंग्स टू रियल नंबर है ना, तो 3 थीटा जो हो गया वो भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो यहाँ तो आपको पूरा कॉस का ग्राफ बनाना पड़ेगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। मैंने कहा हाँ, लेकिन क्या तुम्हें ये चाहिए किसके टर्म्स में था? तुम्हें ये किसके टर्म्स में चाहिए था? तुम चाहते थे कि कॉस इनवर्स ये जो चीज़ है ये कॉस इनवर्स एक्स इसके टर्म्स में आ जाए, ठीक है यहाँ पे कुछ लगा हुआ होगा 2 cos inverse x, वो तो हमें पता भी नहीं है अभी, है ना, कि 3 cos inverse x ऐसा कुछ। तुम इसको कॉस इनवर्स एक्स के टर्म्स में चाहते थे, तो अगर तुम या तो तुम इसको ऐसे लिख रहे तो है ना, या तो तुम इसको ऐसे लिख रहे तो जैसे ये था कि भाई 3 थीटा होगा, या फिर 2π-3 थीटा होगा, या फिर 2π मतलब 2π+3 थीटा होगा। अब इसके आगे भी करना पड़ेगा आपको, इसके आगे भी करना पड़ेगा क्योंकि भाई तुमने तो थीटा कुछ भी ले लिया है ना। लेकिन अगर तुम चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम थीटा की जगह पे कॉस इनवर्स एक्स लिख दो, ये लिखते ही ये करते ही जब तुमने बोल दिया कि थीटा जो है ना वो तो कॉस इनवर्स एक्स के बराबर है, क्योंकि तुम चाहते हो ये करना, इसीलिए इसीलिए क्योंकि तुम यहां चाहते हो कि ये कॉस इनवर्स एक्स लिखा जाए, तो फिर तो तुमने खुद ही वो सब्स्टिट्यूशन कर दिया ना कि थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, तो अपने आप ही थीटा बाउंड हो गया ना 0 से पाई में, क्योंकि यहां थीटा 0 से पाई है, 0 से पाई में बाउंड हो गया, तो फिर 3 थीटा 0 से 3 पाई में बाउंड हो गया, राइट। तो जब मुझे आगे जाके बाउंड करना ही है तो मैंने आगे पहले से ही बाउंड कर चला ना, मैं अपनी तरफ से आगे लेकर चल रहा हूं, मुझे पता है कि कॉस इनवर्स को आगे जाके मुझे कॉस इनवर्स एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, ये मैं चाहता हूं। तो जब मैं ये चाहता हूं तो मैंने इसी को थीटा बोला है, क्यों? क्योंकि आगे जाके करना पड़ेगा, बात वही पढ़ने वाली है, ठीक है। तो जब तुम बोल देते हो कि एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो तुम ये बोलते हो साथ में कि थीटा जो होगा वो 0 से पाई में होगा, या तो तुम इतने ऐसे करके चलो इतना तुम करोगे, नहीं तो तुम सीधे बोलोगे भैया कॉस इनवर्स एक्स जो है ना वो थीटा के बराबर है, जैसे तुम ये लिख देते हो तो बहुत ही फिर आसान हो जाता है, ठीक है ना। देखो इसको एक और नजरिए से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, जब तुमने बोल दिया कि भाई ये जो लिखा हुआ है कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा, तो ये तो बराबर हो गया 3 थीटा कॉमा डडरा 2π-3 थीटा डडरा, ऐसे चल रहा है। तो अब तुम्हें थीटा को एक्स के टर्म्स में तो लिखना पड़ेगा, तो तुमने तो ये माना हुआ है कि एक्स जो है ना वो कॉस थीटा के बराबर है। तो अगर मैं सिर्फ ये भी बोल दूं कि कॉस को इधर ले जा, जब तुम बोलते हो एक्स को उधर ले जाओ, तो ये सिर्फ तभी हो सकता है, कॉस को आप सिर्फ इधर तभी ले जा सकते हो, ये आप सिर्फ तब कर सकते हो जब जो थीटा है, जो थीटा जो है वो इन प्रिंसिपल डोमेन हो, जब वो इन प्रिंसिपल डोमेन हो। तो अगर एक्स को कॉस थीटा बोला है साहब, तो जब नेक्स्ट स्टेप करने बैठोगे, जब थीटा को इधर छोड़ के कॉस इधर जाएगा, तो ये करने के लिए भी आपको ये बोलना पड़ेगा कि थीटा 0 से पाई में होगा। तो जब ये सब करना ही है, जब ये करना ही है, तो हम डायरेक्टली क्यों ना बोल दें कि इसके बराबर है, ठीक है। इस वजह से ये अजम्पशन लिया जाता है। मैंने इतना डीप में समझाया है, मैं चैलेंज लगा के देख सकता हूँ कि कोई भी नहीं समझा रहा है इतना डीप में कि कॉस इनवर्स से ही क्यों शुरू किया, कि इसको माइनस वन से वन वाला झोल कैसे हो रहा है, ये कोई नहीं समझाता है, ये मैंने बहुत डीप बैठ के सोचा है, ठीक है। अब मैं इसकी समरी बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपके पास जो होंगे वो मोटे मोटे 4 फॉर्म के होंगे, 4 फॉर्म्स, ठीक है, समझना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। 4 फॉर्म्स होंगे हमारे पास मोटे मोटे तौर पे, उसका उन 4 फॉर्म्स बेसिकली वो 2 फॉर्म से बनी है। एक कि टी इनवर्स के अंदर कुछ तो बवाल दे रखा होगा, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि उसके अंदर कुछ एलजेब्रा जैसा कुछ होगा, रेशियो होगा बेसिकली, एंड या फिर क्या होगा कि मैथ जो आपका बवाल है, जो एलजेब्रा है, वो टी इनवर्स के ऊपर ही लग रहा होगा, अगर ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर ये वाला क्वेश्चन है, दो देखो इनके फॉर्म्स देखिए आप पहले, इसको आप दो तरीके से देखोगे इस चीज को, ठीक है। एक हो सकता है कि टी इनवर्स के अंदर लेजिट कुछ एलजेब्रिक के ही एलजेब्रा जैसा ही कुछ दे रखा है, यानी कि एक्स में कुछ दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल 2x-1+x² एंड ऑल दैट, ठीक है, इस टाइप का कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पहली फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना, पहली फॉर्म है हमारी। सेकेंड फॉर्म क्या हो सकती है, देखो जरा ध्यान से देखोगे अगर तुम, तो तुम्हें दिखेगी कि ये ले दे करके क्या है, ये ले दे करके क्या है, ये
रेशियो है भाई, ये एक्स क्या चीज है, ये टैन थीटा के बराबर है या साइन थीटा के बराबर है, ले दे करके एक रेशियो है ना। तो इसको इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि टी इनवर्स के अंदर मैंने माने ये लिख के दे दिया तुम्हें, 2 tan थीटा 1 plus tan square theta, ये मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया ही तुम्हें ऐसे दिया गया है, तुम्हें क्वेश्चन दिया ही ऐसे गया है। तो इसको तुम अब थोड़ी बेवकूफ बुद्धि होगी तो वैसे बोलेगी अच्छा इसमें टी इनवर्स के अंदर ना कुछ एल्जेब्रिक दे रखा है और इसमें टी इनवर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री दे रखी है। पर सिर्फ जो होशियार बंदा है वही जानता है कि एक्चुअली ये दोनों के दोनों है तो रेशियो ना भाई, चाहे टैन थीटा लिखूं या एक्स लिखूं बात तो एक ही है। तो ये दो फॉर्म आपको देखने को मिलेंगी। इसमें क्या होगा, इसमें वैसे एक ही फॉर्म है अगर तुम ध्यान से देखो कि भाई टी इनवर्स के ऊपर एलजेब्रा लगा दिया, उसमें क्या हो रहा होगा कि 2-4 टी इनवर्स को आप उसने जोड़ के दे दिया, या हो सकता है इनफाइनाइट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को जोड़ के दे दिया हो, ठीक है वो सीरीज वाले क्वेश्चन बन जाएंगे वहां पे, या फिर किसी ट्रिग्नोमेट्री वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाली जो फॉर्म होती है। इसके क्वेश्चन कुछ टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे कि भैया बताओ 3 sin inverse 1/5, ठीक है इसको टैन इनवर्स के टर्म में कन्वर्ट करके लिखो, इसको साइन के टर्म्स में बताओ उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है एंड ऑल दैट। ये आपकी थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है ये आपकी थर्ड फॉर्म हो गई। फोर्थ फॉर्म जो है वो आप काइंड ऑफ कर चुके हो ऑलरेडी। फोर्थ फॉर्म में क्या होगा कि वो इसी चीज को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डाल देगा। इसमें क्या हो रहा है कि जो एलजेब्रा है वो ट्रिग्नोमेट्री वो टी इनवर्स के ऊपर लग रहा है। अगर तुम यहां से देखो तो इसका इनवर्स है ये, ठीक है तो इसका इनवर्स क्या होगा, वही फोर्थ फॉर्म है, वही फोर्थ फॉर्म है जहां पे ट्रिगो बाहर आ जाती है, ट्रिगो बाहर आ गया आपका और उसके अंदर टी इनवर्स डाल दिया है किसी ने, ठीक है वो आपकी फोर्थ फॉर्म है या आपने ऑलरेडी कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे बोल दूं कॉस के अंदर, ठीक है या चलो कॉस छोड़ते हैं, चलो कॉस डाल दें, कॉस के अंदर 2 tan inverse 1/5। अब मैंने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इनवर्स डाल दिया, पहले मैंने इनवर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री डाली थी, ठीक है अब ये चीज तो तुम ऑलरेडी कर चुके हो ना, अब इसको थीटा बोल दे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये तो कॉस 2 थीटा लिखा हुआ है, ये चीज तुम कर चुके हैं टाइप 1 के अंदर, फाइंडिंग वैल्यू बेस का क्वेश्चन है ये सिंपल सा, ठीक है याद आ रहा है, ठीक है सिंपल सा तो है, इसको थीटा बोल दोगे तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मुला क्या होता है वो टैन के टर्म्स में लिख दो है ना, 1 माइनस ये कर भी रखा है मैंने क्वेश्चन इस टाइप का, ठीक है तो बस ये कितना हो जाएगा 1 minus 1/5 का स्क्वायर 1 plus 1/5 का स्क्वायर, तो वहां से cos 2 थीटा मिल जाएगा आपको, बस दैट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पर इसी में अब इसमें हम देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसी वैरायटी के अंदर हम कुछ तिकड़मबाजी कर सकते हैं, हम ये कुछ भयंगम सी चीज इसके अंदर भी तो डाल सकते हैं राइट, तो वो आपका फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। तो ये चार फॉर्म के क्वेश्चन आपको जेई के PYQs में देखने को मिलेंगे, हर बुक में आपको यही देखने को मिलेगा, यही होता है इसमें मोटा मोटा, ठीक है। अब इन चारों को करने का मैंने आपको आइडियली तरीका बता दिया है, इन दोनों को करने का तरीका क्या है, देखो इसमें क्या है कि आपको अंदर देखो इसके अंदर और इसके अंदर आपको कुछ डालना है, आपको कुछ फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि टी इनवर्स के अंदर मुझे टी फॉर्म कर लेना है, टी इनवर्स के अंदर टी फॉर्म कर लेना है यहाँ पे कुछ भी हो, उससे क्या हुआ ले देकर के टी इनवर्स और टी कट जाएगा और मुझे ये मिल जाएगा, यही मैंने किया है अभी इसमें, यू कैन सी मैंने यही तो किया था, मैंने कॉस इनवर्स 4x³ - 3x था, इसमें मैंने कॉस इनवर्स कॉस फॉर्म करने की कोशिश करी थी, ठीक है और ये तो मैंने इसमें किया और इसमें तुम क्या करोगे, तो इसमें तुम उल्टा करोगे, मानो तुम्हें कुछ भी दे रखा है अंदर, कोई भी खतरनाक सी चीज़ रखी है, मानो 3 tan inverse ये चीज़ रखी है, तो तुम्हें जो बोला जाए उसका टी ले लोगे और फिर उसी के ऊपर टी इनवर्स लगा लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम बाहर से लगाते हो, यहाँ पे तुम अंदर से लगा रहे होते हो, सिमेट्री देख रहे हो कितनी प्यारी सिमेट्री है इन क्वेश्चन के अंदर, कोई सोच भी नहीं सकता किस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। अब आता है ये तो चलो मैंने आपको पूरा मेथड समझा दिया, इसके बाद आप चाहो तो जा सकते हो, हालांकि अगर थोड़ा सा और दम है, गूदा है तुम्हारे अंदर दम है तो हम इसका भी लॉजिक समझ सकते हैं कि यार इस प्रॉपर्टी में ऐसा है क्या टी इनवर्स टी कि ये हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रही है, चाहे मतलब ये चार फॉर्म्स हैं, इन चारों फॉर्म्स को सॉल्व किया जा सकता है वाया दिस, हाउ एग्जैक्टली इज दिस हैपनिंग, लेट्स अंडरस्टैंड दिस एज वेल इफ यू हैव द स्टफ इन योर सेल्फ, ठीक है भाई इस पर बात कर लेते हैं, बाकी ये एक ऑप्शनल चीज़ है, आप चाहो तो लेक्चर यहाँ से छोड़ सकते हो। सो जब मैंने तुमसे बोला ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, मैं फिर से बोलूँ एडवांस इन द सेंस कि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा समझने के लिए, ठीक है चलो लगाते हैं, मानो मैं तुमसे बोल दूं π/3 एक एंगल लिखा हुआ है यहां पर, तुम बोलो इस एंगल को देखो, ये जो अप्रोच मैं बता रहा हूं ये है जनरलाइज्ड की भी जनरलाइज्ड अप्रोच कि उसके पीछे का थिंकिंग प्रोसेस क्या है, अगर ये समझ गए तो फिर तो π/3 जो है इसको तुम लिख सकते हो ना sin inverse √3/2 है ना, एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं तुमको, ले लेकर के तुमने π/3 को एक रेडियंस को तुमने इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, यही तो किया ना तुमने। अब अगर मैं तुमसे बोलूं 7π/3, एक ऐसी रैंडम एग्जांपल ले लिया 7π/3, तो जो 7π/3 होगा साहब उसको क्या तुम साइन इनवर्स के टर्म्स में लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते भाई साहब, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 7π/3 जो है ना वो तो 90 से बहुत बड़ा हो गया, अरे 7π/3 का मतलब क्या हुआ 7 × 60 degrees यानी कि 420 degrees, मल्टीप्लिकेशन सही किया होगा मैंने, 420 degree है ये, 420 ही करेगा मतलब 420 degree है, और हमारा जो साइन इनवर्स होता है भाई साहब, साइन इनवर्स तो हमारा -90 से 90 degree में नाचता है, तो क्या कभी ये चीज साइन इनवर्स के बराबर हो सकती है, कभी नहीं हो सकती,
कभी नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ एडजस्टमेंट किया जा सकता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये लिखा हुआ है 360 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज। अरे 420 को तो मैं ऐसे लिख सकते हो ना, 360 प्लस 60, 360 की मतलब 2 पाई और 60 मतलब ये ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि ये साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2। क्या ये फीलिंग आ गई, मतलब कि मैंने एक ऐसे एंगल को एडजस्ट करके इस फॉर्म में लिख दिया, रेडियंस मतलब इनवर्स के दुनिया में ला के रख दिया इस चीज को। लॉजिक समझ में आ गया। अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होता है, हमें एक प्रॉपर्टी पढ़ाई गई है, दैट इज साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है। ये एसेंशियली करता क्या है, तुम इसके अंदर जो डालते हो उस पर डिपेंड करता है बहुत ज्यादा। अगर मैंने इसके अंदर x इक्वल टू पाई बाई थ्री डाल दिया, अगर मैंने इसके अंदर x इक्वल टू पाई बाई थ्री डाल दिया तो देखो क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा ग्राफ से समझते हैं, आ जाओ, ठीक है, साइन के ग्राफ से समझेंगे, साइन के ग्राफ से। तो ये आपका साइन का ग्राफ है, ठीक है, थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, हटाओ, यहाँ से बनाता हूँ क्योंकि अभी मैं पॉजिटिव ही लेने वाला हूँ तो समझाने के लिए, ठीक है। तो पाई बाई थ्री ये हो गया पाई बाय थ्री, राइट, बहुत बढ़िया बात है। तो जब तुमने इसमें पाई बाई थ्री डाल दिया तो साइन के अंदर पाई बाई थ्री डालोगे तो आंसर वन बाई टू बोल रहा हूँ, रूट थ्री बाई टू आ जाएगा, रूट थ्री बाई टू आ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो मैंने इसको समझाया भी था वहाँ पे जब मैंने ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि इसमें तुमने किया क्या, तुमने पहले पाई बाई थ्री अंदर डाला और उससे रूट थ्री बाई टू मिला, तो ये बन गया, ये थोड़ी देर के लिए क्या बन गया, ये बन गया साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू। फिर तुमने साइन इनवर्स में अगर तुम देखोगे तो अब ये पूछेगा रूट थ्री बाई टू पे, अब मैं ब्लू से शो कर देता हूँ इसी चीज़ को, कि रूट थ्री बाई टू पे क्या आंसर आ रहा है, तो पाई बाई थ्री आ रहा है, तो रेड और ब्लू एक ही जगह पे आ गया, तो अब इसका आंसर आ गया क्या, पाई बाई थ्री। ये हुआ यहाँ पर, बढ़िया। अब मैंने इसमें डाला एक्स इक्वल्स टू यही जो हमारे काम का है, दैट इज सेवन पाई बाई थ्री। अब देखना क्या होगा, ठीक है, ध्यान से देखना, सेवन पाई बाई थ्री कहाँ पे होगा, ये टू पाई है तो यहाँ पे कहीं पे होगा, दिस इज सेवन पाई बाई थ्री, दिस इज सेवन पाई बाई थ्री, ठीक है। अब 7 पाई बाई 3 जब तुमने साइन के अंदर डाला तो आंसर तो अभी भी कितना आएगा, रूट थ्री बाई टू ही आएगा, रूट थ्री बाई टू ही आएगा। तो हमने इसमें डाला साइन इनवर्स के अंदर, जब तुमने डाला साइन के अंदर क्या डाला, 7 पाई बाई 3, तो आंसर कितना आया, तो आंसर आया फिर से वही रूट थ्री बाई टू, फिर से वही रूट थ्री बाई टू। अब तुम समझ ही गए होगे कि जब वापस जाओगे भाई रूट थ्री बाई टू के लिए तो ये डोमेन में जाओगे ना, तो आंसर पाई बाई 3 ही आएगा फिर से, क्योंकि आप रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में चलते हो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, बस इतना ही मेरे काम का होता है ना, यही होता है मेरे काम का, राइट। तो मैं ले देगा क्या, बस इसी में डालूंगा, तो आंसर फिर से पाई बाई 3 आया। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो गई यहीं पर ही, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखोगे, बिल्कुल ध्यान से, हुआ क्या है, अगर तुम थोड़ा सा समझ जाओ इस चीज को, मजा आ जाएगा मेरे को। तो साइन इनवर्स के अंदर, साइन के अंदर जब तुमने पाई बाई 3 डाला था तो आंसर पाई बाई 3 आया था, साइन इनवर्स के अंदर, साइन के अंदर जब तुमने 7 पाई बाई 3 डाला था तो भी आंसर पाई बाई 3 आया था, तो भी आंसर पाई बाई 3 आया था। जब तुमने पाई बाई 3 डाला तो ऑलरेडी सब कुछ सही था, जब तुमने 7 पाई बाई 3 डाला ना तो ये बंदा यहां से इसने क्या कर दिया, इसने माइनस 2 पाई कर दिया। इट इज लाइक कि ये एक ऐसी मशीन जैसी बन गई, ये साइन इनवर्स साइन, ये एक ऐसी मशीन है जो तुम जो भी उसके अंदर डालोगे वो अपने आप उसमें एडजस्टमेंट करके उसको सही कर देगी, ठीक है, उसको एडजस्ट करके ठीक कर देगी माइनस 2 पाई डाल के। अब मैं उल्टा बोल रहा हूँ, सुन मेरे भाई, देखो क्या ये पाई बाई 3 कैसे आया था, ये एक्चुअली कैसे आया था, ये ऐसे आया था कि 7 पाई बाई 3 जहाँ पे तुम थे आया, पहले 7 पाई बाई 3 था, इस मशीन ने इसमें माइनस 2 पाई कर दिया। और हम जानते हैं कि अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे ना, तो ग्राफ जो होता है साइन इनवर्स का ऐसे 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 करके, तो उसमें ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, तो ये जो लाइन है आप देख सकते हो, इसका लाइन का वो क्या होता है, माइनस 2 पाई प्लस एक्स, ये वाली चीज़ होती है। तो 7 पाई बाई 3 यहाँ पे होता है, ठीक है, तो 7 पाई जब आप डालोगे तो आंसर आएगा माइनस 2 पाई प्लस एक्स, मतलब कि जो भी एक्स है उसमें माइनस 2 पाई कर दे, जो भी एक्स है उसमें माइनस 2 पाई कर दे, तभी तू वहीं पहुंच जाएगा, तू वहीं पहुंच जाएगा जो उसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जो है वहां पे हमें पहुंचाना है उसको, राइट। अब मैं बोल रहा हूं उल्टा, मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को 7 पाई बाई 3 चाहिए भाई साइन इनवर्स के टर्म्स में, तो मैंने बोल दिया भाई माइनस 2 पाई तुम इधर चले जाओ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला कि तुम पाई बाई 3 पे खड़े हो ना, यहां से अगर तुम 2 पाई ऐड कर दोगे तो भी यहीं पहुंच जाओगे, तो साइन इनवर्स ने मेरे साथ गेम खेला। मैं क्या हूं, मैं 7 पाई बाई 3 हूं, 7 पाई बाई 3 के साथ उसने पहले माइनस 2 पाई करके मुझे यहां पहुंचाया, मैंने कहा रुक जा, मैं समझ गया तूने मेरे साथ क्या गेम खेला, मैं उल्टा गेम खेलूंगा, मैं तेरा ही यूज करके अपने तक पहुंचा दूंगा, तूने मुझे कहां पहुंचाया, यहां पे, मैं बोल रहा हूं जो तूने रास्ता यूज किया वही काम करो, मेरे तक पहुंच जा। तो 7 पाई बाई 3 अब क्या बन गया, वो बन गया 2 पाई प्लस साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 3, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें क्या क्या फायदा हुआ इसका, मैंने कहा ये फायदा हो गया साहब कि अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे, कहने को तो आप पूरा सॉल्व कर सकते हो, कहने को तो आप इस पूरी चीज को हटा करके क्या लिख सकते हो, पाई बाय 3, ठीक है ना। पर मैं ऐसे बोल रहा हूं कि तुम सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व करो, तो जब तुम सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व करोगे तो होगा क्या कि ये बन जाएगा साइन इनवर्स के अंदर लाइक साइन 7 पाई बाय 3 दैट्स रूट 3 बाई 2 ओनली, राइट। तो ये बन गया 2 पाई प्लस में एंड इट इज लाइक 7 पाई बाय 3 इक्वल्स टू दिस,
ठीक है, तो हमारा जो एम था कि एक ऐसा एंगल जो कि उसके डोमेन में लाई नहीं करता है उसको हमने साइन इनवर्स के टर्म्स में लिख दिया, ठीक है। अब यही एग्जैक्ट सेम चीज़ ऊपर हो रही थी, अगर तुम ध्यान से देखोगे उस नज़र से, ठीक है, थोड़ा सा हिम्मत बांधते हुए अगर हम देखेंगे कामयाब है, अगर कहाँ चला गया, किया तो था यार, वेट अ सेकंड। हाँ, जैसे कि ये जो था हमारा, जो हम लोगों ने इंटरवल्स डिसाइड किए थे ना, ये ठीक है, यहां पर जब मैंने बोला था कि ये चीज जो है ये 3 cos inverse x के बराबर है, तो क्या हुआ था एग्जैक्टली, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले हमने गेम खेला वही वाला, हमने बोला कि 7 पाई बाय 3, ये मेरा 7 पाई बाय 3 है, 3 cos inverse x जो है उसको 7 पाई बाय 3 की तरह विजुलाइज करो, तो उसको देखो जब वो पाई बाय 3 के बराबर होगा तो वो डायरेक्टली इसके बराबर आ जाएगा, लेकिन जब वो 7 पाई बाय 3 के बराबर होगा या किसी और ऐसे एंगल के बराबर होगा तो ये अपना गेम खेल करके, अपना षड्यंत्र रच करके हमें ये लाके देगा और हम उसके साथ उल्टा गेम खेल जाएंगे, हम बोलेंगे मुझे वो लाके दे जो मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे आ गया और अब मैंने उसको यहाँ डाल दिया, इट इज लाइक 7 पाई बाय 3 ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 2 पाई प्लस पाई बाय 3 या फिर 2 पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पर ये इसका लॉजिक है, इसमें और भी डीप जाया जा सकता है पर अभी रहने दो इतना, ठीक है। सो ये इस पूरी चीज़ का एक जनरलाइज्ड स्ट्रैटेजी हो गई इस पूरी प्रॉब्लम सॉल्विंग का। अब अगली वीडियो से लाइक हम लोग काफ़ी सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन कर रहे होंगे जो कि बेसिकली 4 टाइप्स होंगी जो इन 4 फॉर्म्स को ट्रीट कर रही होंगी, लाइक इनको हैंडल कर रही होंगी, ठीक है, और उसमें हम यही जनरलाइज स्ट्रैटेजी यूज कर रहे होंगे, उसमें मैं तुम्हें बता दूंगा कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करना है, ठीक है। सो या दैट वाज इट, ऑलराइट, बाय।